हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा वुड पे। और अभी मैं हूं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या की सबसे यंग सोई, जिसको बोलते हैं सबसे जवान गली, और वो गली है सोई सिक्स में। और यहां पर आने की एक बहुत ही खास वजह है, और वजह वही है जो मैं आपसे पिछले दो ब्लॉग में भी शेयर कर चुका हूं कि मेरे काफ़ी सारे भाई जो यहां पर पहुँच रहे हैं इंडिया से इस समय पत्या के अंदर, वो लोग मेरे से अक्सर एक ही क्वेश्चन करते हैं कि नाइट लाइफ के लिए हम लोग कहाँ पर जाएँ, कहाँ पर हम लोग एक अच्छी नाइट लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। तो जो सोई सिक्स है, ये भी आपके पास में एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप इस समय पत्या में मौजूद हैं या फिर आने वाले दिनों में आप लोग पत्या आने वाले हैं। तो जो सोई सिक्स है आपके पास में एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर नाइट लाइफ के लिए। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो सोई सिक्स है लगभग पूरी तरह से ओपन हो चुकी है, जितने भी बार्स हैं वो यहाँ पर लगभग सारे बार यहाँ पर ओपन है। काफ़ी सारे लोग हैं फिलहाल यहाँ पर जो यहाँ पर बार्स में बैठ के ड्रिंक इंजॉय कर रहे हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अगर आप लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं पत्या के अंदर, तो सोई सिक्स आपके पास में नाइट लाइफ के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। और ये जो सोई है, अगर आप लोग इस सोई की बात करें तो दोपहर को लगभग दोपहर के एक बजे से ये सोई यहाँ पर ओपन हो जाती है, यहाँ के जो बार्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। और जो भी अभी फिलहाल यहाँ पर जो नाइट लाइफ के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो टाइम लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये बार्स क्लोज होते हैं। तो अगर आप लोग दोपहर के टाइम पर भी आकर यहाँ पर इंजॉय करना चाहते हैं, यहाँ पर ड्रिंक करना चाहते हैं, यहाँ पर बैठकर अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो सोई सिक्स आपके पास में एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शन हो सकता है पत्या के अंदर। तो ये है यार पत्या सिटी की ब्यूटीफुल सी सोई सिक्स। और आप लोग यहाँ से अगर दूर तक देख पा रहे हैं तो जितने भी यहाँ पर बार्स हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे बार्स ओपन हो चुके हैं। और यहाँ पर जो भी इस समय टूरिस्ट आ रहे हैं पत्या के अंदर, उनकी जो पहली पसंद है पत्या के अंदर एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का, उनमें से जो गलियाँ यहाँ पर जो फेमस है, सोई सिक्स, सोई सेवन, सोई एट, सोई बखाओ, ट्री टाउन, लाइक आप जितनी भी स्ट्रीट्स बोले, अगर उनमें से आप लोग फेवरेट सोई की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल, जो ज़्यादातर जो यहाँ पर टूरिस्ट पहुँच रहे हैं, उनकी जो पहली पसंद है वो है यहाँ पर सोई सिक्स। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक गली है, लगभग यार 200 से 300 मीटर ये लंबी गली है। और इस गली के अंदर आपके पास में 70 से 80 अच्छे बार्स हैं जहाँ पर आप लोग बैठकर एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो यार सोई सिक्स आपके पास में एंटरटेनमेंट के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सोई है जहाँ पर आकर आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको इस गली के अंदर, इस सोई के अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है, कहीं ऐसा ना हो आप लोग यहाँ पर आकर इंजॉय करना चाहें और आपकी जो पॉकेट है उसकी, आपकी लाइक पॉकेट पर एक अच्छा खासा असर पड़ जाए। तो कुछ एक चीज़ें हैं जिसका आपको यहाँ पर आकर इस सोई के अंदर ध्यान भी रखना है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपको यहाँ पर आने के बाद ध्यान रखना है। यहाँ पर आने के बाद पत्या में आप लोग किसी भी बार पर जाकर बैठते हैं, किसी भी जगह पर एंजॉय करना चाहते हैं, तो शायद ये जो चीजें, ये जो पॉइंट्स हैं आपके काम आ जाएं। लेकिन ये पॉइंट्स मैं पहले भी एक ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, लेकिन उस समय अपने फैमिली में, लाइक आप लोग बोले तो यार इतनी बड़ी फैमिली नहीं थी, तो शायद मेरे काफी सारे भाई इन पॉइंट्स के बारे में ना भी जानते हो। तो बेटर है कि यार एक बार फिर से मैं आपके साथ वो चीजें शेयर करूं, तो शायद ये चीजें कहीं ना कहीं जब आप लोग यहां पर पत्या में आए, आप लोग एंजॉय करने के लिए इन स्ट्रीट्स में आए, तो आपके काम आ जाए, राइट। तो यार इस तरह की स्ट्रीट में, इस तरह के बार में आकर आपको जो सबसे पहले जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है यहाँ पर लेडी ड्रिंक, क्योंकि जो ड्रिंक आप अपने लिए ऑफर करते हैं उस ड्रिंक के रेट में, और जो ड्रिंक अगर आप मान लीजिए यहाँ पे जो स्टाफ जो यहाँ पर काम करता है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टाफ होता है इन बार्स का, जो आपके साथ बैठ कर आपका एक अच्छा टाइम स्पेंड कराने में आपकी हेल्प करता है, अगर आप उस स्टाफ के लिए यहाँ पर ड्रिंक बाय करते हैं, तो यार वो जो ड्रिंक होता है उसका जो कॉस्ट है वो आपके ड्रिंक से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बिकॉज वो जो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट होता है वही उनकी कमाई है, वही उनको मिलता है यहाँ पर काम करने में, लाइक आप लोग कह सकते हैं इज अ काइंड ऑफ सैलरी फॉर देम, इज अ काइंड ऑफ कमीशन फॉर देम। तो मेक श्योर आप जब भी किसी ऐसे बार के अंदर बैठते हैं, किसी भी जगह पर, किसी भी सोई के अंदर, तो आप लोग अगर किसी के लिए ड्रिंक बाय करना चाहते हैं तो प्लीज़ पहले उनसे एक बार आप लोग पूछ लीजिए कि ये जो ड्रिंक मैं बाय कर रहा हूँ इस स्टाफ के लिए, इस ड्रिंक का कॉस्ट यहाँ पर क्या होगा, मुझे कितना एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, ताकि बाद में जब आपका बिल बने तो आप उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन ना करें यार कि मैंने तो सिर्फ इतना ड्रिंक ऑर्डर किया था तो इतना बिल कैसे हो गया। और इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ है जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है वो है रिंग द बेल। यहाँ पर यार हर बार के ऊपर एक घंटी लगी होती है, एक बेल लगी होती है, जब भी आप स्टाफ के साथ बैठेंगे वो लोग आपके साथ छोटी छोटी गेम आप प्ले करते हैं, आपका एक अच्छा टाइम स्पेंड कराने में आपकी हेल्प करते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो वो कहीं ना कहीं आपको फोर्स करेंगे कि यार आप एक बार ये बेल प्रेस कर दीजिए, इस घंटी को बजा दीजिए। तो यार वो जो घंटी होती है उस घंटी को बजाने का मतलब ये है कि वहाँ पर बार के अंदर जितना भी स्टाफ है, जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, आप उन सब के लिए यहाँ पर ड्रिंक
बाय कर रहे हैं, तो आप लोग जब भी किसी भी बार में जाएं तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगी यार। घंटी बजाने से पहले आप लोग आपका जो पॉकेट एक बार चेक कर लीजिए कि यार बेल बजाने के बाद जो आपको अमाउंट पे करना है उतना अमाउंट आपकी पॉकेट में है या नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई ये गलती पहले पास्ट में कर चुके हैं। इनफैक्ट अपनी फैमिली के एक मेंबर अभी यहाँ पर आए थे और यार मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो उनका मेरे को कॉल आया कि बाबा मैं एक बार में बैठा हूँ तो क्या मैं यहाँ पर एक घंटी बजा दूँ। मैंने बोला भाई तू बाहर आ जा, यहाँ से फिलहाल घंटी बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार मुझे नहीं पता कि आप कौन से बार के अंदर बैठे और वहाँ पर कितना स्टाफ काम करता है। उसमें उन्होंने मेरे से पूछा कि कितना पैसा खर्च हो जाएगा, मैं पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बट यार स्टिल मैंने उनको रोका क्योंकि आई डोंट नो कि वहाँ पर कितने लोग जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर कितना सारा स्टाफ है। मान लीजिए वहाँ पर अगर 50 स्टाफ हो, 50 लोगों का स्टाफ और एक ड्रिंक का 200 बात हो, तो लगभग आपका 10,000 बात वहीं खड़े खड़े खर्च हो जाएगा। तो मेक श्योर यार कि घंटी बजाने से पहले प्लीज़ आपकी पॉकेट का ख्याल ज़रूर रखें। उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है, मान लीजिए मेरे बहुत सारे भाई यहाँ पर आते हैं जिनको ये बेल प्रेस करने का बहुत शौक होता है, तो यार बेल प्रेस करने में भी एक आप लोग बोलो तो यार एक रॉयल फीलिंग आती है। वो जो बेल प्रेस करने के बाद जो आपको ट्रीटमेंट देते हैं, इट्स लाइक अ VIP ट्रीटमेंट, क्योंकि यार मेरे बहुत सारे भाइयों का कहना ऐसा है कि बार के अंदर बहुत सारा स्टाफ काम करता है, तो यार हर रोज़ हर स्टाफ को आप लोग बोले तो यार इतना जो कमीशन होता है उनका वो नहीं बन पाता, उनको यार उतना पैसा नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं वो लोग उनकी एक तरह से हेल्प भी करते हैं कि यार जो हम ड्रिंक बाय करेंगे पूरे स्टाफ के लिए, तो जितने भी स्टाफ है सबको एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाएगा, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा ड्रिंक सब लोग साथ में कर लेंगे। तो यार कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, तो यार ऐसे नहीं है कि घंटी बजाना कोई गलत चीज़ है, लेकिन अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो ही आप लोग ये स्टेप उठाएं। और इसके साथ साथ तीसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है यहाँ पर बार फाइन। मान लीजिए आप लोग इस तरह के बार्स में जाते हैं किसी भी स्ट्रीट में और आपको वहाँ पे जो स्टाफ जो आपको काम कर रहा है लाइक उसमें से कोई स्टाफ आपका फ्रेंड बन जाता है, कोई आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि वो आपके साथ बाहर जाए, वो आपके साथ बाहर जाकर ड्रिंक करे, आपके साथ डिनर के लिए जाए, आपके साथ क्लबिंग के लिए जाए, तो यार उसके लिए भी आपको यहाँ पर बार्स में कुछ पैसा पे करना पड़ता है, जिसको यहाँ पर बोलते हैं बार फाइन। तो मेक श्योर इस तरह के बार में अगर आपकी कोई फ्रेंड बन जाती है, मान लीजिए यहाँ पर या कोई दोस्त बन जाती है यहाँ पर, आप उसको चाहते कि हम बार से बाहर लेके जाए, तो प्लीज मेक श्योर जो बार फाइन है उसके लिए भी आप यहां पर बात कर लीजिएगा कि कितना बार फाइन वो लोग चार्ज करते हैं अगर आप बार के किसी स्टाफ को वहां से बाहर लेके जाते हैं, क्योंकि यार बार के अंदर जो स्टाफ काम करता है उनके पास में एक लिमिटेड आवर्स होते हैं, कोई 6 घंटे के लिए, कोई 8 घंटे के लिए, तो अगर मान लीजिए उसमें से 2 घंटे के लिए आपके साथ कोई बाहर जा रहा है वहां से निकल के, तो जो बार है यार जो बार अगर वो स्टाफ बार के अंदर रहता है तो हो सकता है वो बार के लिए अच्छा काम करे, बार के लिए कुछ पैसा अर्न करके बार को दे, तो उसके अगेंस्ट ही उस टाइम के अगेंस्ट वो लोग आपसे बार फाइन चार्ज करते हैं। तो मेक श्योर अगर आप लोग भी फ्यूचर में यहां पर आ रहे हैं और आप लोग इस तरह के बार्स में बैठते हैं और आप लोग किसी सी बार के स्टाफ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनको ड्रिंक के लिए लेके जाना चाहते हैं, उसको घूमने के लिए लेके जाना चाहते हैं, उसको आप लोग क्लबिंग के लिए लेके जाना चाहते हैं, तो जो बार फाइन है उसके बारे में आप लोग प्लीज पहले पूछ लीजिएगा। यार एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सोई है ये, सोई 6, और आई होप आने वाले टाइम में भी आप लोग इस सोई के अंदर जरूर आएंगे और आकर इस सोई के अंदर कुछ अच्छा टाइम जरूर स्पेंड करेंगे। तो आई होप ये जानकारी कहीं ना कहीं आप लोगों के काम ज़रूर आएगी, और आने वाले टाइम में जब भी आप लोग पत्या का प्लान करेंगे एक बार आप लोग इस सोई के अंदर ज़रूर जाएंगे कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। और जो मेरे भाई ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं उनके पास में बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शन यहाँ पर तैयार है सोई 6, तो अगर आप लोग भी अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आप लोग फिलहाल पत्या के अंदर हैं, तो यार वीडियो देखते ही आप लोग भी सोई 6 के अंदर जा सकते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी, कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यार, मेरे काफ़ी सारे भाइयों को ये चीज़ें पता हैं जो लोग यहाँ पर आप पहले आ चुके हैं, लेकिन जो भाई यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं शायद ये चीज़ें उनके कहीं ना कहीं काम आ जाएं। तो बस इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए, भूलेगा नहीं। मेरा नाम है सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा वुड। सी या।